वेलकम। आज हम आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं वो है स्पेगेटी समोसा की। इसके लिए मैंने स्पेगेटीज का एक पैकेट लिया है। इसमें मैंने एक बाउल जो है ये चिकन का कीमा लिया है, 2 अदद मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए हैं, 2 अदद मैंने मीडियम साइज़ के इसमें टमाटर लिए, इनको बारीक बारीक काट लिया है, 1 अदद मैंने शिमला मिर्च ली है और मैंने 1 अदद बंद गोभी ली है। इसमें मैं स्पाइसेस में ऐड कर रही हूँ नमक तकरीबन 1.5 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, काली मिर्च, ब्लैक पेपर इसमें 1 टेबल स्पून, लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ। इसमें मैं वाइट पेपर यूज़ करूँगी 1/2 टेबल स्पून और इसमें स्पाइसेस में मैं ऐड करूँगी सोया सॉस और हॉट चिली सॉस। अब सबसे पहले हम स्पेगेटीज को बॉईल कर लेते हैं और आलूओं को बॉईल कर लेते हैं। स्पेगेटीज को बॉईल करने के लिए मैंने पानी पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। इसमें अब मैं डालूंगी तकरीबन 1.5 टेबल स्पून ऑयल का। एंड 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट। अब जैसे ही पानी उबलेगा हम इसमें स्पेगेटीज को शामिल कर देंगे। आलूओं को एक दफ़ा बॉईल करने के लिए जो मैंने पानी रखा हुआ था वो तकरीबन गर्म हो चुका है, इसमें मैं आलू ऐड कर दूँगी। और जैसे ही एक दफ़ा बॉईल होंगे मैं इसको स्टेन कर लूँगी। आलू जो है वो एक दफ़ा बॉईल हो चुके हैं, आप देख सकते हैं, इसको हम स्टेन कर लेंगे। पानी जो है वो बॉयल हो चुका है, इसमें अब मैं स्पेगेटीज ऐड करती जाऊँगी। मैं इनको दरमियान में से तोड़ के ऐड करूँगी क्योंकि मैंने इनको समोसा पीने के लिए यूज़ करना है। स्पेगेटीज अब हमारी बॉयल हो चुकी हैं, इनको अब हम स्टेन कर लेंगे। अब एक पैन में हम तकरीबन 2 टेबल स्पून जो है ऑयल शामिल करेंगे, साथ ही हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के साथ में इसमें चिकन का जो कीमा है वो ऐड कर देंगे। जैसे ही कीमे का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। मैंने इसमें ज़रा सा भी पानी ऐड नहीं किया, ये चिकन का पानी है, इसमें ही आलू गल जाएंगे। अब हम इसमें शिमला मिर्च ऐड कर देंगे, साथ हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसमें टमाटो प्यूरी बना के भी ऐड कर सकते हैं और टमाटो सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। मैं फ्रेश टमाटोज का यूज़ कर रही हूँ। इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और जो पानी है इसको ड्राई कर लेंगे। अभी तक मैंने इसमें कोई भी स्पाइसेस ऐड नहीं की। अब मैं इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दूँगी। वन टेबल स्पून ही ब्लैक पेपर, 1 टेबल स्पून सॉल्ट एंड 1/2 टी स्पून ऑफ मैं इसमें वाइट पेपर यूज़ करूँगी। और इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसमें बंद गोभी ऐड कर देंगे। मैं वेजिटेबल्स को अच्छी तरह नहीं पकाऊँगी बल्कि इसमें हल्का सा क्रंच रखूँगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हॉट सॉस। अब मैं इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून हॉट सॉस का यूज़ कर रही हूँ और 2 टेबल स्पून इसमें मैं सोया सॉस का यूज़ कर रही हूँ। स्पाइसीज आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, इसमें चेक करके मज़ीद ऐड भी कर सकते हैं। मटेरियल अब हमारा रेडी हो चुका है, इसमें हम स्पेगेटीज ऐड कर देंगे। इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। स्पेगेटीज का मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है, अब हम आग को बंद कर देंगे और इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। स्पेगेटीज का मटेरियल जो है अब हमारा ठंडा हो चुका है। इधर ये मैंने होममेड जो है समोसा पट्टी तैयार की है। इसकी रेसिपी मैं रेसिपी पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। इसके एजेस को हम साथ साथ प्रेस करते रहेंगे। ये देखिए, स्पेगेटी समोसियाँ बनके हमारी तैयार हो चुकी हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो हमारी इस वीडियो को लाइक भी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अपने प्यारों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें अपने कमेंट देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।